दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूँ। डेली करंट अफेयर क्विज में आज हम देखने वाले हैं 20 जून की करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। डेली करंट अफेयर क्विज में मैं आपको डेली 10 मिनट में 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर कराता हूँ, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर होती है। अगर आप इस वीडियो का नोटिफिकेशन रेगुलर लेना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, कल का हमारा रिविज़न का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया है। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चर्चित एसेज टेस्ट सीरीज किन देशों के मध्य खेली जाती है? तो पहले क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों पहले क्वेश्चन का सही उत्तर। दूसरा क्वेश्चन आता है, बैंकॉक विजन 2030 का संबंध किस संगठन से है? दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बिम्स्टेक से, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा यू सर्वनन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी रोनाल्डो सिंह का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? तो इनका संबंध है दोस्तों साइकिलिंग से, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, राष्ट्रीय पठन दिवस यानी कि नेशनल रीडिंग डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, 5वें क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 19 जून को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 5वें क्वेश्चन का सही उत्तर। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ लेने के लिए ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना, 5 स्टार की रेटिंग भी कर देना। उसके बाद में आपको करंट अफेयर पीडीएफ वाले सेक्शन में जाना है और डेली करंट अफेयर की पीडीएफ यहां से मिल जाएगी। और प्यारे दोस्तों, 6000 क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ जो हमारी मास्टर पीडीएफ है, इस पीडीएफ पर अभी ऑफ़र चल रहा है, जो कि केवल 2 दिनों के लिए वैलिड रहेगा। ये 80% ऑफ है अभी इस पीडीएफ पर, ये पीडीएफ मात्र 100 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस पीडीएफ में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके। और ये ऑफ़र दोस्तों इसलिए चलाया गया है क्योंकि अभी हमारे चैनल पर 2 मिलियन कम्प्लीट हो गए हैं, और इसी के उपलक्ष्य में आप इस पीडीएफ को 100 रुपीज़ में ले सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। दोस्तों, मास्टर पीडीएफ इसलिए है ये क्योंकि इसमें एक तो सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, और जो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 100% यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए 6ठा क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार किस भारतीय जोड़ी ने अपने नाम किया है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, सात्विक साई राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, 7वां क्वेश्चन है, देश में कुल कितने जल निकाय यानी कि वाटर बॉडी है जिनकी गणना यानी कि सेंसस पहली बार हुई है? तो 7वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, 7वें का राइट आंसर हो जाएगा 24,24,540, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा भाई 7वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 है, NIA ने किस देश में भारतीय राजनयिक मिशनों पर खालिस्तान समर्थकों के हमले की जांच की कमान संभाली है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दोस्तों राइट आंसर रहेगा USA, कनाडा और UK में, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी
आठवें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश में परमाणु हथियार की तैनाती की पुष्टि की और कहा कि यह पश्चिमी देशों के लिए चेतावनी है। तो 9वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, बेलारूस, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा 9वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिप्री की एनुअल रिपोर्ट 2023 में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितना होने का दावा किया गया है। तो 10वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, 164, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा दोस्तों 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस तीरा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और देखिए, अगर आप लोग इस सेशन को रेगुलरली देखते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और हो सके तो अपने भाई या बहन या दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि केवल 10 मिनट की करंट अफेयर की वीडियो होती है हमारी और उसमें सारी दिन की करंट अफेयर आ जाती है, आपको कोई दूसरी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस पूरी करंट अफेयर को कम्प्लीट कवरली देखते हैं रेगुलरली, ठीक है। 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, देखिए, सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान, यानी कि उपरोक्त सभी को दोस्तों, तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत में कहाँ उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है। देखिए, 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, मिजोरम में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारत और किस देश ने गैर तेल व्यापार को 2030 तक 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। तो 13वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल यूएई, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसने लाइफ वेल स्पेंड फोर डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेंस सर्विसेज नामक पुस्तक लिखी है। दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा सतीश चंद्रा, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर। 15 है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने मोबाइल वायु प्रदूषण ढांचे का विकास किया है। तो 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आईआईटी मद्रास, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों राइट आंसर रहेगा 16 का अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो 17वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, कैपिटल हिल, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 जीता है। तो 18वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, पेटरसन जोसेफ, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 18वें क्वेश्चन का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19 है, देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रो के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। 19वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही है, रवि सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 19वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गोरखपुर स्थित गीता प्रेम के 100 साल पूरे होने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
राइट आंसर रहेगा गांधी शांति पुरस्कार, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर, ये भी आपको याद रखना है। देखिए ये तो थे हमारे 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर्स। अब बात कर लेते हैं आज के होमवर्क के बारे में। आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप का टाइटल जीता है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर रहेगा वो मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, खून में कौन सी धातु पाई जाती है। 5 सेकंड का समय मिलता है, जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों खून में कौन सी धातु पाई जाती है, तो राइट आंसर रहेगा लोहा, आयरन, यानी कि दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। डेली करंट अफेयर जो हम दोस्तों कवर करते हैं उसमें जो कल का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था उसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, यानी कि हाल ही में एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा, तो श्रीलंका और पाकिस्तान में, ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो PDF लेने के लिए ओनली टॉप स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना, 5 स्टार की रेटिंग कर देना, उसके बाद करंट अफेयर PDF वाले सेक्शन में जाके आप PDF ले सकते हैं। 6000 क्वेश्चन आंसर्स की जो हमारी मास्टर PDF है दोस्तों, इस पर अभी भारी छूट चल रही है, मात्र 100 रुपये में इस PDF को आप ले सकते हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, और इस PDF में से दोस्तों 90% तक के क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की कर रहे हैं, या फिर कोई पुलिस एग्ज़ाम की कर रहे हैं, आप दोस्तों टीचिंग एग्ज़ाम की कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ये साइंस, करंट अफेयर, स्टैटिक, GK, कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है। आप डायरेक्टली हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी इस PDF को ले सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके भी आप इस PDF को ले सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।